हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। स्वागत है एक बार फिर से नए ब्लॉग में। और देखिए, सुबह का टाइम है और मैंने टमाटर का थोक लगा दिया है। पर किसने लगाया है अभी बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो पहले। नहीं किया कोई बात नहीं। देखिए, मैंने टमाटर का थोक ना इसलिए लगाया था क्योंकि रात को हमने बनाए थे चावल और उसमें से एक कटोरी चावल बच गए थे, तो उनको मैं फ्राइड राइस पर बना रही हूँ। उनको मैं दोबारा से मटर डालकर थोक लगाकर अच्छे से टेस्टी बनाकर उन्हें नमकीन बना रही हूँ। और देखिए, मैंने मटर और टमाटर डाल दिए हैं और प्याज नहीं डाली है जस्ट बिकॉज ऑफ नवरात्र, क्योंकि मैंने मटर पहले नहीं उबाली थी इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब ये हींग डाली है थोड़ी सी इसमें, ताकि मटर हमारी कच्ची ना रहे इसलिए मैंने पानी डाला है। पानी बिल्कुल सूख जाएगा, आप देखना, मैं इसे ढक देती हूँ, मटर गल जाएंगे। देखिए, पानी बिल्कुल सूख चुका है और मटर भी हमारी बिल्कुल गल चुकी है। हो गया है हमारा मसाला रेडी, बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था, मिर्च भी डाल दी थी, हींग डाला था और जीरा डाला था। साथ के साथ रोटियां भी बना रही हूँ दूसरी गैस पे। और अब ये चावल है, चावल के अंदर मैंने ऑलरेडी नमक और मिर्च मिलाकर हाथ से अच्छे से मैश कर दिया था ताकि अच्छे से मिल जाए। और अब मैंने इस छोंक में इसको मिला दिया है। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये चावल। अगर आपके भी रात को बच जाएँ तो इस तरह से बना के खाएँ और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और रोटियाँ भी बन गई हैं हमारी। मॉर्निंग का काम तो लगभग हो चुका है सारा। क्लीनिंग का करने के बाद मैं रोटियां बनाने लगी थी। अभी का बेटी स्कूल जा चुकी है, पापा मम्मी खेत में गए हैं क्योंकि अब गेहूं कटने हैं, तो उनकी बाउंड्रीज़ को कट करने के लिए गए हैं पापा मम्मी और अविका के पापा। तो बने रहिए। अब करती हूँ मैं पिसना। मुझे अब की बार थोड़ा ज़्यादा करना है क्योंकि गेहूँ आ जाएंगे ना कट के। तो हम गाँव में अक्सर क्या करते हैं, कम से कम 7 से लगभग 10 दिन तक गेहूँ को ऐसे ही खुले में घेरते हैं ताकि उनका जो कच्चापन है ना थोड़ी ड्राइनेस आ जाए, उसके बाद अनाज को टंकी में डाला जाता है। तो काफ़ी दिन हो जाए तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पिसना करना। ये जो ड्रामी आपको दिख रही है ना, ये 1.5 मुझे करनी है। और अब मैं पिसना करती हूँ और गेहूँ आएंगे फिर आपको दिखाएंगे। गेहूँ कटिंग की वीडियोज भी हम आपको दिखाएंगे। और अब बातें भी चल रही हैं साथ साथ पिसना चल। वैसे गेहूँ हमारे बिल्कुल साफ हैं, हमने इसमें कोई दवाई नहीं डाली है, सिर्फ एक चीज़ डाली है और वह बिल्कुल ऑर्गेनिक नीम की पत्तियाँ होती है ना, वो डाला कीजिए आप भी। वो डालने से ना तो गेहूँ में घुन लगता है, ना कोई कीड़ा, ना कोई सूखी, बिल्कुल साफ है। और थोड़ा बहुत जो गेहूँ जो होते हैं ना उसको अंदर से गेहूँ का दाना निकलता है बस वो, और एक आधा कंकड़ का दाना बस मिट्टी का, वो भी कच्ची मिट्टी का। नहीं तो बिल्कुल पिछले साल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब की बार का अनाज बहुत अच्छा है। रोटियाँ भी बहुत ही नरम आती हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो अब है जी ये दोपहर का टाइम और दोपहर में चाय का टाइम हो चुका है। और ये भी देखिए आ चुके थे, नहा धो के फ्रेश हो गए थे। उसके बाद देखिए दोपहर में ये आए थे, फिर आ के खाना वाना खाया, फिर रेस्ट किया। और उसके बाद देखिए हम नमकीन खा रहे हैं। अभी का बेटी भी स्कूल से आ चुकी है और उसने फरमाइश की थी मैगी की, तो मैंने उसके लिए स्पेशल मैगी बनाई। और सब्जी जो बची हुई थी ना वो ये खाती नहीं थी, सोयाबीन की सब्जी बनाई थी, तो मैंने आलू और सोयाबीन की सब्जी को इसकी मैगी में ही डाल दिया था और बड़े मज़े से खा रही थी मैडम जी। नीचे रख दो बेटा। मैंने भैंस बना रखी, देखो इसमें मैंने सब्जियां डाली हुई हैं आपकी, वैसे तो पौष्टिकता लेगी नहीं, इसलिए मैंने आपकी मम्मी को बोला इसमें सब्जियां डाल दो, आलू है मटर डाल दो ताकि बच्चा खाए, सोयाबीन है ताकि उसको कुछ मिले। अब है जी शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ दाल। दाल मैंने दोपहर में चाय बनाई थी, जब भी भिगो के रख दी थी। और मेरा मन किया कि लकड़ियाँ तो रखी हैं घर पे, तो क्यों ना दाल चूल्हे पे ही बनाई जाए। तो मैं अब दाल चढ़ा रही हूँ, लकड़ियाँ वगैरह एडजस्ट करके छोटी करके जो बड़ी हैं उन्हें।
अब आग से लगा दूंगी और अपना दाल चढ़ा देंगे। पन्नियाँ वगैरह है ही इनसे अपना, अब तो गर्मी है, आग बहुत फटाफट से जल जाती है। सर्दियों में ही ज़्यादा दिक्कत आती है चूल्हे पे आग बालने में। और देखिए मैं अब दाल डाल दे रही हूँ इसमें। अपनी डेगची मैंने मांज के धो के अच्छे से इसमें पानी डाल दिया था, हल्दी नमक वगैरह डाल के अब इसमें दाल चढ़ा रही हूँ और दाल बॉयल हो जाएगी, फिर हम छौंक रेडी करेंगे। तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। एक तो दिन इतने बड़े हो गए हैं और अभी ट्यूशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मुझे लगा टाइम है तो क्यों ना चूल्हे पे ही बनाई जाए। अभी ट्यूशन हम एक दो चार दिन में स्टार्ट करेंगे, छोटे बच्चे हैं, उसके बाद तो कहाँ टाइम लगेगा, फिर तो 4 to 6 ट्यूशन चलेगा। और अभी मैं फ्री थी तो देखिए चूल्हे पे ही खाना बना रही हूँ और मज़े भी आ रहे हैं चूल्हे पे बनाने में, और टेस्टी टेस्टी दाल भी खाने को मिल रही है, बहुत अच्छी लगती है चूल्हे की दाल। वाकई में कुकर से गैस के खाने के अकॉर्डिंग जो सब्ज़ी चूल्हे की होती है ना, बहुत ही बेहतरीन होती है और स्वाद तो उसका अलग ही होता है, अलग सी खुशबू आती है खाने में। सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी है दाल, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है रगड़ा करने में, क्योंकि ये बिल्कुल डेगची का ना अभी जो रंग दिख रहा है ना, बनने के बाद ना इसका रंग बिल्कुल नहीं दिख रहा था, पर दाल लेकिन वाकई बहुत ही अच्छी बनी थी। और अब मैंने यहाँ छौंक चढ़ा दिया है, जीरे का छौंक लगाना है क्योंकि नवरात्रे हैं, ये आपको पता ही है नवरात्रे चल रहे हैं। और दाल में मैं एक हरी सूखी लाल मिर्च ज़रूर डालती हूँ, ये छौंक वाली मिर्च ना मैं ही लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली मिर्च छौंक में डाली हुई। और देखिए थोड़ा सा कच्चा रह गया था जीरा, तो मैं अभी आग पे ही इसको रख रही हूँ और फिर अपना छौंक इसमें डाल देंगे। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे आप पिछले ब्लॉग्स को प्यार दे रहे हैं, ऐसा ही सपोर्ट अपना साथ बनाए रखें। जब भी आपको टाइम लगे हमारे ब्लॉग को फुल वॉच करें, स्किप कर ना देखें, पूरा देखें और लाइक शेयर कमेंट करें, फुल सपोर्ट कीजिए। मैं भी चाहती हूँ मेरा भी चैनल ग्रो करे ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। देखिए घर का काम है, कहीं बाहर जाना होगा तो हम ज़रूर दिखाएंगे आपको, अभी तो घर का ही काम है। ये देखिए हमारी दाल भी बन चुकी है, कितना प्यारा कलर आ रहा है और चूल्हे का लुक देखिए कितना अभी ये इसकी हालत थोड़ी खस्ता हो रही है, इसको भी ठीक करेंगे क्योंकि अभी गेहूं का वगैरह का काम चल रहा है, अभी मिट्टी नहीं है उपलब्ध है ताकि हम इसे सही से करें। ये देखिए दाल में खदका आ चुका है, मैंने टमाटर छौंक में नहीं डाले थे, इसी में अच्छे से हो जाएंगे, मैंने सिर्फ जीरे का ही छौंक लगाया था। यहाँ नवीन स्कूल से आ चुका है और देखिए मैंने आग बुझा दी है और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर धनिया, जो अंगार बचे थे ना, अब दाल भीनी भीनी आंच पर, जो थोड़ी बहुत वैसे तो बन चुकी है, गर्म भी रहेगी और थोड़ा बहुत कच्चापन होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। तब तक मैं बनाऊँगी गैस पर रोटियाँ और मम्मी पापा खेत से आ जाएँगे, इतने मैं रोटी रेडी कर दूँगी। और धनिया इसमें मिक्स कर दिया है, दाल रेडी हो चुकी है। अब आप भी रेडी हो जाइए कि कैसा लगा व्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फिर से मिलेंगे आपके साथ किसी नए व्लॉग में, कुछ अलग, कुछ नई रेसिपी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, गुड बाय।